कारण रहा कि निजी अस्पतालों ने लोगों को सहयोग नहीं करा, जो इलाज उन्हें समय पे देना था वो नहीं दिया? देखिए, ऐसा नहीं है, रूटीन बड़ा शहर ही है। जब तक कि आप पिछले सालों की बहुत के जैसे हम लोगों ने चेक किया था, MYH में जो 10% तक का प्रतिशत था वो कम होकर 6.5-7 पे चल रहा है अभी। तो ऐसा नहीं है कि मौतें बढ़ गई हैं कोई, पहले 10% था नॉर्मल समय में, पर उसमें एक्सीडेंट्स कम हो जाते हैं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, एक्सीडेंट संख्या कम हो जाती है और भी संख्या कम हो जाती है। तो कई बार अब लोग खाली बैठे हैं, अपनी खाली बैठे हैं, तो उसमें एकदम दिखता है कि ये डेथ हुई वो डेथ हुई। सामान्य रूप से जब शहर चलता है तो उतना ऑब्जर्व नहीं आता है लोगों को। तो कोई भी आंकड़े को इंटरप्रेट करने से पहले पिछले 4-5 सालों का स्टडी करना, एनालिसिस करना जरूरी है उसमें। किंतु ये जरूर है कि कुछ पर्टिकुलर मोहल्लों में, कब्रिस्तानों में कुछ बॉडी ऐसा लग रहा था कि इस बार ऐसा फील हुआ था कि लोगों ने बोला ज़्यादा जा रही है, पिछले साल इस समय में इतनी नहीं गई थी, किंतु वो भी सब संख्या कम हो गई है। अब जो मोहल्ले हैं हमारे खजराना के, रानीपुरा के, चंदन नगर के, यहाँ पर जो इस तरह की असमान सब फील हो रहा था हम लोगों को भी नॉर्मल हो गया। उसका कारण बहुत बड़ा ये भी है कि वहाँ पर हम लोगों को डॉक्टर्स की ड्यूटी लग गई है, 200 घरों में आशा कार्यकर्ता जा रही हैं, आंगनबाड़ी और ANM जा रही हैं, डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे हैं उन लोगों को, प्लस उनके लोकल भी जो डॉक्टर्स हैं उनको भी हमने क्लिनिक के आगे बैठाया है कि वहाँ बैठ कर के, क्लिनिक ना खोले वो, आगे बैठ कर जो बेसिक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स हैं वो होते रहे हैं, उन सब चीज़ों का फ़ायदा हो रहा है। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने जब यहाँ पर सैंपलिंग है, क्योंकि सैंपल हम लोग बहुत कर रहे हैं, पूरे संभाग से आ रहे हैं, इंदौर के, उज्जैन से भी आ रहे हैं, तो काफ़ी मात्रा में सैंपल कैपेसिटी रहती है हर जगह की, मेडिकल कॉलेज की भी कैपेसिटी है। तो यहाँ लगभग 1100-1200 सैंपल्स हमारे बैकलॉग हो गया था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जैसे ही आया ये, वो भी रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, रोज़ हम लोगों को फ़ोन लगाते हैं, रोज़ मेडिकल कॉलेज की जानकारी लेते हैं। तो उनको ये माना, तो इमीडिएटली उन्होंने स्टेट पेन दिया अपना, और स्टेट पेन से कल या परसों शाम को, कल भी कुछ गए हैं परसों भी गए होंगे, 1100-1150 सैंपल्स गए हैं दिल्ली। इनकी रिपोर्ट कल से आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसमें इंदौर के सैंपल्स बहुत हैं, हो सकता है कि उसमें एक बड़ी मात्रा में एकदम से पॉजिटिव संख्या है, पर ये सारे वो लोग हैं जिनको क्वारंटाइन किया हुआ है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। ये सारे वो लोग हैं, अधिकांश लोग वो हैं जिनको क्वारंटाइन किया है हम लोगों ने, इसलिए जब संख्या का आंकड़ा आता है, मान लीजिए 200-300 का आंकड़ा आ जाता है, इसमें शहर की जनता को या मीडिया के लिए मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि ये वही लोग हैं अधिकांश जिनको हमने आइडेंटिफाई किया हुआ, बाहर किया हुआ है जिनको। बिल्कुल गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। क्यों हो रहा है मैं चेक करूंगा इसको। दूध जितने निर्माता हैं वो बेचारे बड़ी मेहनत से और यहाँ पर आ रहे हैं, दूध बांट कर रहे हैं, घर घर दूध बांट रहे हैं, बस ये समय का थोड़ा ध्यान रखें वो लोग। कई बार ऐसा हो सकता है कि उन्होंने समय का ध्यान नहीं रखा हो, शाम को आ गए हों या 12 बजे वो बांट रहे हों, तो उसमें पुलिस कार्रवाई करेगी। अगर समय का ध्यान रखते हैं वो लोग तो डेफिनेटली उस अवधि में पुलिस कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं करेगी। अगर समय के बीच में कुछ किया होगा तो मेरे संज्ञान में बात आई जाती है, अब तक आया ही नहीं है। सैंपल दिल्ली भेजे की मदद कर रहे हैं डॉक्टर्स के लिए और अधिकारियों और जो फील्ड वर्कर हैं उनके लिए रूम्स अवेलेबल, पर कुछ फिर भी अभी हैं, जैसे लीली है, कुछ और दो तीन हैं, वो अभी भी मदद के लिए तैयार नहीं होना ही पड़ेगा। मदद के लिए तैयार कैसे नहीं मदद करेंगे, शहर की जनता को अस्पताल की ज़रूरत है, अस्पताल को डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए, अगर होटल जो पूरा लॉकडाउन चल रहा है, होटल मैरिज गार्डन की ज़रूरत है। मुझे सरकार ने अधिकार दिया है कि मैं ले सकता हूँ, मदद करनी ही पड़ेगी, हर व्यक्ति बाध्य है मेरे निर्देश को पालन करने के। जो नहीं करेगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई करें, जो भी अगर लीली वाला नहीं करता मैं उठा के उसके खिलाफ क्रिमिनल केस FIR रजिस्टर करके अंदर कर दूंगा उसको, कोई मना नहीं कर सकता इस समय। शहर की जनता के स्वास्थ्य के लिए जो भी जरूरी है, इसीलिए अधिकार DM को इस समय दिए जाते हैं कि इस समय इमरजेंसी समय है, आज अगर क्वारंटाइन करना है हमको किसी मोहल्ले को बचाने के लिए, उसके लिए मैरिज गार्डन की आवश्यकता है तो देना अनिवार्य है उसके लिए, उससे पूरा मोहल्ला बचेगा, हज़ारों परिवार बचेंगे उससे, तो देना बाध्यकारी है। मुझे जानकारी में नहीं है कि लिली, ये वाटर लिली का क्या इशू है, अगर ऐसा होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फर्क नज़र आ रहा है तो देखिए बहुत बड़ी ये एक व्यवस्थाएँ चल रही हैं क्राइसिस मैनेजमेंट की और रेस्क्यू ऑपरेशंस की, इसमें सब आंकड़ेबाजी ये सब चीज़ों में कई बार गलती हो जाती है। आज डीन हमारी मेरे ख्याल से 5 घंटे भी नहीं सोती होगी, डीन मैडम जो हमारे यहाँ से सही आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन जब भोपाल से आंकड़े, अब वहाँ भी ऐसी स्थिति है ना, आप देखिए एम्स हो गया, GMC हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, कितने सारे सैंपल्स पहुँच रहे हैं उनके पास कर रहे हैं, छोटी मोटी त्रुटियाँ होती हैं ये, और इस समय बहुत ज़्यादा मुझे लगता है इसको ध्यान नहीं देना चाहिए। भेजे जाएंगे अगर पेंडेंसी बढ़ती है तो, या सिर्फ एक बार भेजे जाएंगे? अगर जरूरत पड़ेगी तो भेजे जाएंगे नियमित रूप से आगे भी। हाँ, पर मेरे ख्याल जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, अभी एक बार का बैकलॉग था ये, और अभी यहाँ भी कैपेसिटी बढ़ने वाली है, टेस्टिंग की क्षमता इंदौर में बढ़ेगी, अरविंदों में टेस्टिंग क्षमता बढ़ रही है, सेंट्रल लैब में बढ़ रही है, MYH में बढ़ने वाली है, तो मुझे लगता नहीं कि आवश्यकता पड़ेगी। सर एक छोटा सा इशू है कि स्टेट के आंकड़ों में और इंदौर से, देखिए आम जनता है ये, आम जनता में अगर किसी को सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं मिलता है, उस तरह चीज़ें करता है, तो हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम लोग देखें उसको कि वास्तविक रूप से तो कोई त्रुटि नहीं हो रही है हमारे यहाँ से। अभी तक जो भी ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं, हम लोगों ने अधिकारियों को लगाया है, उसमें ये पाया कि नहीं, सरकारी तरफ से जो व्यवस्था हम लोगों की थी वो समुचित थी, वो संतुष्ट भी थे,
किन्हीं कारणों से असंतुष्ट हो गए कि हमें क्वारंटाइन में रखा हुआ है और हम यहाँ बोर हो रहे हैं, हमें निकलने नहीं दे रहे हैं, इस वजह से उन्होंने ये वीडियो डाले हैं। पर अगर ऐसा कुछ कमी होगी हमारे जिला प्रशासन की तरफ से तो डेफिनेटली हम लोग इम्प्रूव करेंगे। क्वारंटाइन में जो भी रखे हैं उनका गार्जियन हम ही लोग हैं, उनके गार्जियन, हम लोग को फिक्र करना ज़रूरी है उनके लिए। हो सकता है कहीं कमी हो, वैसे हम लोग ने रेगुलर नियमित रूप से उनका परीक्षण कराने का भी बोला है हेल्थ का, और रेगुलर मैं जो व्यवस्थाओं को देख भी रहा हूँ, अगर कुछ कमी होगी तो सुधार करेंगे। कुछ मुझे सफाई के कुछ इश्यूज़ आए थे कल, अगर ऐसे होंगे तो हम ठीक करेंगे उसको। देखिए, लॉकडाउन के कोई निर्देश तो अभी नहीं आए हैं, पर जो परिस्थितियाँ अभी हैं और जनरल परिस्थितियाँ देख लें अगर अपन, तो उसमें ऐसा लगता है कुछ दिन तो बढ़ाया जाना पड़ेगा इसको। जो है शासन या केंद्र सरकार क्या निर्णय लेती है, आने वाला वक्त बतलाएगा ये, पर अभी की परिस्थिति जो देश की भी परिस्थितियाँ हैं तो प्रिकॉशनली तो कुछ बढ़ाया जाना चाहिए अभी, ताकि पूरी तरह से ख़त्म हो जाए कोरोना, ये तभी इसको खोला जाना चाहिए। जैसे ही खुलेगा देश का लॉकडाउन, सब आना जाना लोगों का शुरू हो जाएगा, तो जिन क्षेत्रों में नहीं भी है वहाँ भी पहुँचने की संभावना रहती है। इसलिए इसको थोड़ा मुझे लगता है कि सरकार इस पर निर्णय कुछ लेगी अभी। सर, आज हाई पावर कमेटी है, क्या मीटिंग में किस तरह का? देखिए, यहाँ पर अभी वर्तमान में दो चीज़ों पर हम लोगों की रोज़ कार्रवाइयाँ चल रही हैं। एक तो आम जनता के लिए जो राशन हम लोग व्यवस्था है, राशन हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, या जो ऐसे गरीब वर्ग हैं जिनके पास पैसा भी नहीं है, उनके यहाँ रेगुलर जो काफ़ी हज़ारों की संख्या में पैकेट्स जा रहे हैं राशन के या खाने के, उस व्यवस्था चलता रहे। ऐसी अस्पतालों का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्पतालों में येलो अस्पताल भी इंपॉर्टेंट है, रेड भी इंपॉर्टेंट है, और ग्रीन अस्पताल भी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक डॉक्टर्स की टीम हम लोगों की बनी हुई है, और उन डॉक्टर्स की टीम में डेली हम लोगों की बैठकें होती हैं, और जो भी इशूज़ रहते हैं, चाहे मेडिकल ट्रीटमेंट को लेके हो, चाहे बाईपैप्स की अवेलेबिलिटी को लेके हो, चाहे कोई पर्टिकुलर दवाई की अवेलेबिलिटी को लेके हो, चाहे आगे के रोल आउट प्लान, किसको रेड में लेना है, किसको येलो में जाना है, उसकी अवेलेबिलिटी की बात हो, प्लस ग्रीन अस्पतालों में किस प्रकार से अस्पताल संचालक कार्य कर रहे हैं उसकी बात हो, उसमें चर्चा होती है, बात करते हैं हम लोग, और जो भी कंसर्निंग हॉस्पिटल से बात करनी होती है उनसे ही बात करते हैं। उस संबंध में भी हम लोग आज सुबह वाली बैठक थी है, जिसमें कि ट्रीटमेंट्स के ऊपर ये भी आना है देखने में कि वेंटिलेटर से ज़्यादा फ़ायदा बाईपैप्स पे हो रहा है। वेंटिलेटर्स क्योंकि इन्वेसिव रहता है, बाईपैप से फ़ायदा हो रहा है, कुछ श्रेणी में स्टेरॉइड्स देने पे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, भंडारी अस्पताल में भी हुआ, राष्ट्र नेशनल लेवल भी हो रहा है। कुछ एक पर्टिकुलर दवाई आती है वो 25 से 40 हज़ार की आती है, उससे भी बहुत फ़ायदा पेशेंट को नेशनल लेवल पर हुआ है। उस संबंध में डॉक्टर वेद प्रकाश चतुर्वेदी हैं, वो हेल्थ मिनिस्ट्री के भी ऑटो इम्यून सिस्टम में सलाह देते रहते हैं, सीनियर इसमें साइंटिस्ट और डॉक्टर हैं वो। उनका भी सजेशन ये था डॉक्टर भंडारी को अरविंदो में, चूँकि दवाई महंगी आती है तो उसको मैंने रेड क्रॉस से बोला है अभी खरीद करके अस्पतालों में दे दें, जहाँ जहाँ आवश्यकता हो फिर हम रेड क्रॉस ही बुलाते रहें, हम लोग रेड क्रॉस से पेमेंट करते रहेंगे। इस प्रकार के जितने भी उपाय हो सकते हैं, इस शहर की जनता का स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और मोर्टेलिटी बिल्कुल भी ना हो, उस चीज़ को हम लोग काम कर रहे हैं। प्लस फील्ड में भी जो भी पॉजिटिव पेशेंट्स आते हैं उनका शिफ्टिंग कराना अस्पतालों में, उनके घर को सैनिटाइज करना, आसपास को, उनके घर वालों को क्वारंटाइन करना, ये सब गतिविधियों में साथ साथ चल रही हैं हम लोगों की। डॉक्टर्स और नर्स लगातार काम कर रहे हैं, उनको खाद्य सामग्री की बात कर रहे हैं, तो अभी क्या एक सजेशन आया सांसद महोदय की ओर से कि किराना दुकान खुली रखी जाए, तो इस पर कोई, क्योंकि अगर किराना दुकान खुली रखते हैं तो फिर वो स्थिति ना, किराना दुकान नहीं खुलेगी। किराना दुकान खोलना शहर के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, और सांसद जी ने ऐसा कुछ बोला भी मुझे नहीं लगता है बोला है, और हर समय से यही बात चल रही। कल भी हम सबकी बैठक भी हुई थी जनप्रतिनिधियों के साथ में, हम लोग भी नियमित बैठक कर रहे हैं, और क्योंकि बाहर निकलना किसी भी जनप्रतिनिधि का, पब्लिक एकदम से निकलती है, ये भी जनप्रतिनिधि समझ रहे हैं, तो वो लोग भी रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अपने आप को कि उनके निकलने से जनता इकट्ठी हो जाए, कुछ हो जाए, जनता के स्वास्थ्य को खतरा है। ये ऐसा मामला है कर्फ्यू का, लॉकडाउन का, कि इसमें बहुत ज़्यादा लोग निकल भी नहीं सकते हैं बाहर, किंतु निरंतर हम लोग संपर्क में हैं, और हम लोगों की मीटिंग्स में कहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि, पर यह है कि अधिक उन्होंने सांसद जी ने बोला भी होगा, तो किराना सप्लायर करता है जो किराना दुकान वाले ही हैं, इनकी संख्या बढ़ाने की बात हो रही है, उसके लिए सांसद महोदय ने बोला होगा, जो कल बात भी हुई थी उसमें सांसद जी ने बोला भी था कि बढ़ाया जाए, तो उसमें हम लोग बढ़ा भी रहे हैं, सांसद जी के निर्देश में हम लोग बढ़ा भी रहे हैं दुकानें। सर, खाद्य उनका रोस्टर तैयार किया ताकि वो भी हर अस्पताल का अपना अलग सिस्टम है। जैसे अगर आप वेदांता अस्पताल का देखें तो 1/3 स्टाफ उनका, 1/3 से मतलब लगभग 1/3 स्टाफ रहता है, बाकी रोटेशन बुलाते हैं 5-5 दिन में, 6-6 दिन में, कहीं पर 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन का भी है, तो वो रोटेशन अलग अलग बना के रखते हैं अस्पताल वाले, और उनको रखना भी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट भी है। वो जो मिल रहा था उसमें थोड़ी सी अभी कहीं परसेंटेज वाइज कमी आई, क्या अपील करना चाहेंगे आप लोगों से जो देखिए नगर, हाँ, जो खाद्य सामग्री का सिस्टम है पूरा,
उसमें जो किराना सप्लाई करता है प्लस जो हमारे ऑनलाइन शॉपिंग की संस्थाएं हैं ये निरंतर भुगतान के आधार पर दे रही हैं। जो हमारी मुफ्त की राशन जा रही है वो लगभग 1 लाख परिवार हैं नगर निगम सीमा क्षेत्र में, 80 हज़ार से 1 लाख होंगे जिनके पास लेबर वर्क है, उनके पास पैसा भी नहीं है चूँकि रोज़गार उनका भी नहीं है, उनके पास में इतना पैसा भी नहीं है कि वो खाना खरीद के किराना खरीद के ले सके। ऐसे लोगों के लिए जितने भी शहर के लोग हैं अधिक से अधिक संख्या में जनता में आए, संदीप सोनी जी हैं एडिशनल कमिश्नर नगर निगम और आशीष सिंह जी हैं वो हैंडल कर रहे हैं उसको। हम लोग के संपर्क में जो लोग आ रहे हैं हम लोग वहीं डाइवर्ट कर रहे हैं, सामान आ भी रहा है। जितने अधिक से अधिक लोग इनसे फ़ोन में बात करके, और गाड़ी नगर निगम की आ जाएगी, किसी को घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। लोग चेक देने के लिए प्रयास करते हैं कि कलेक्ट्रेट आए और उसमें फ़ोटो खींचे, तो मैंने वो भी स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है। कोई भी व्यक्ति अगर चेक दे के फ़ोटो खिंचवाना चाहता है तो हमने मना कर रखा है कि हम फिर रेड क्रॉस पर ही लेंगे। हमने RTGS नंबर दिया हुआ है, रेड क्रॉस में पैसा दे सकते हैं। संदीप सोनी या आशीष सिंह जी को बोल दें, नगर निगम गाड़ी आके कलेक्ट कर जाएगी जहाँ बोलेंगे। सच्चे मन से लोग अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें जो है एक समस्या की जानकारी देनी हो या किसी भी तरह की जानकारी लेनी हो वो कॉल लग नहीं रहे, वो एक बड़ी समस्या बनी हुई लोगों के सामने। देखिए जो टेली मेडिसिन सेंटर है 10 लाइन्स हैं उसमें, मुझे शिकायत मिली थी ये, मैंने पता लगाया तो एक तो कुछ वोडाफोन का इशू आ रहा है, जो वोडाफोन से लोग लगाते हैं उसमें इशू आ रहा है, मैंने बोला है चेक करने के लिए ऐसा इशू क्यों आ रहा है। और दूसरा इशू है जब 10 लाइन्स में भी जब 11वां कोई लगाता है ना तब फिर दिक्कत आती है, तो मैंने बोला कि अगर ऐसी स्थिति है तो आप लाइन्स बढ़ाई जाएँ उसमें, तो मैंने CO जिला पंचायत को बोला है इस संबंध में। निजी अस्पतालों के साथ हालात में सुधार क्या स्थिति बनी है? सुधार है और अगर नहीं सुधार आएगा तो सख्त कार्रवाई करेंगे। आज शहर की जनता को अगर स्वास्थ्य के लिए इन निजी अस्पतालों की आवश्यकता है तो निजी अस्पताल के संचालक गणों का जिम्मेदारी है और उनके लिए बंधनकारी है कि वो जनता की सेवा करें, स्पष्ट बोल रहे हैं। आज ही हमने अरिहंत में डॉक्टर बंगानी को बोला है कि आपका बड़ा सम्मान है शहर में, आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं इस शहर में, पर किंतु पिछले 10-12 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि अरिहंत की शिकायतें लगातार आ रही हैं। उन्होंने अपनी उनका स्टाफ क्वारंटाइन में भेज दिया है, बिल्कुल गलत बात है ये। अगर इस प्रकार से क्वारंटाइन अगर जाने लगे लोग तो हमारे आप लोग मीडिया साथी और हमारे सारे अधिकारी जिस तरह से हम लोग मूव कर रहे हैं हम सबको क्वारंटाइन में चला जाना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है। अरे डॉक्टर बंगानी मैंने बोला है कि आप इतने सम्मानजनक डॉक्टर हैं यहाँ के और आप 10-12 दिनों से आप जनता की जो शहर की जनता को सेवा की आवश्यकता है आप बिल्कुल नहीं दे रहे हैं सेवा, तो अल्टीमेटली मेरे लिए कोई अब रास्ता नहीं बचता है कि मैं आपको शोकाज नोटिस दे के आपका ये अस्पताल का लाइसेंस निरस्त कर दूँ। मैं वो ये करूँगा तो आपकी बेइज्जती होगी पब्लिक के बीच में, तो इस तरह की मैंने कार्रवाई भी सोची है। मैंने आज बोला भी, आज सुबह मैंने फ़ोन लगाया था डॉक्टर बंगानी को, तो जो लोग नहीं करेंगे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अब ये इंदौर में जो मौतें बढ़ी हैं पिछले कुछ